उसी रसूल वाच को दराते हुए आज हमने है टकरे है शुएब अहमद अबकी को टकरे अमीर हमजा अबकी की जगह पर हमने दस्तरबंदी कर दी उसे टकरे अबकी को अलेजी ताइफा का टकरे मुंतखब किया। तो क्या सदर साहब जी को अलेजी कौम जो अबकी कौम के टकरे मुंतखब किया गया, इसके अलावा दिक्कत भी हमारे बलोचिस्तान आपको पता कि यहाँ पर बहुत सी मसली मसाइल चलते आ रहे हैं, दूसरे कबाइल के मसलों में भी बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब हमारे सरदार नवाब मीर टकरे मुतबरी ने मतलब एक ताइफे तक महदूद नहीं है, पूरे बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के मतलब जिसको अगर टकरे मुंतखब किया जाता है तो पूरे पाकिस्तान के आवाम खिदमत कर सकता है और पूरे अपने कबाइल के से हट कर, कबाइल का मतलब एक पहचान है जिस कबाइल ने उसको मुंतखब किया और पहचान के लिए बाकी इसकी खिदमत जो है पूरे मुल्क पाकिस्तान के नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद रहे, ये पूरे पाकिस्तान के आवाम की खिदमत कर सकता है और इंशाल्लाह इससे हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक नौजवान बन रहा है और इंशाल्लाह अपने जितने भी इसके मतलब जितने भी हिम्मत है और जितने भी इसके जज्बा हौसला है वो टकरे अमीर हमजा बबकी की तरह मतलब ये आगे ले आएगा और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करता रहेगा। जिम्मेदारियों को किस तरह निभाएंगे, जैसे कि सदर साहब ने कहा कि शहीद रमजा जो चकन था उन्होंने जो ना मुकम्मल अपनी कौम और उसके लोगों को पाते हैं उनकी पेश भी नहीं, तो आप उनके नेक्स्ट हदफ पर किस तरह से मेरे वाले साहब की खिदमत किसी से लुकी छुपी नहीं है, जिस तरह मेरे वाले साहब ने कौम के लिए खिदमत की इसी तरह इंशाल्लाह मैं भी अपने वाले साहब के नक्श कदम पर चल के अपनी कौम की खिदमत करूँ। हाँ सब सब हमारे लिए एक एक जैसे, सब हमारे भाई सब एक जैसे, जैसे मेरे वाले सब भी सब कभी करते हैं इसी तरह मैं भी सब की।